सोने और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतों में धातुओं की कीमतों में गिरावट के बीच राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार यानी आज सोना 114 रुपए की गिरावट के साथ 50,561 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया, जो पिछले कारोबार सत्र में 50,675 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं चांदी भी 136 रुपए की गिरावट के साथ 56,760 रुपए प्रति किलोग्राम रह गई है, जो पिछले कारोबार में बता दें 56,896 रुपए प्रति किलोग्राम थी। वहीं बता दें कॉमेक्स गोल्ड की कीमतों में गिरावट के अनुरूप दिल्ली में 24 कैरेट सोने के हाजिर भाव में 114 रुपए की गिरावट आई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना 1737 डॉलर प्रति औंस पर और वहीं चांदी 19.17 डॉलर प्रति औंस पर स्थित रही। वहीं बता दें कि सेटोरियो ने अपने सौदे के आकार को कम किया, जिससे वायदा कारोबार में आज सोना 102 रुपए की गिरावट के साथ 50,677 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया। वहीं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त डिलीवरी के लिए सोने का अनुबंध 102 रुपए या 0.2 प्रतिशत की गिरावट के साथ 50,677 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता दिखा, जिसमें 9,126 लॉट के लिए कारोबार हुआ। वहीं विश्लेषकों ने सोने की कीमत में गिरावट का श्रेय प्रतिभागियों द्वारा अपने सौदे की कटान को बताया। वहीं वैश्विक स्तर पर न्यूयॉर्क में सोना 0.34 फीसदी की गिरावट के साथ 1736.40 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। वहीं मजबूत हाजिर मांग के कारण कारोबारियों ने अपना दाग बढ़ाया, जिससे कारोबार में आज चांदी की कीमत 49 रुपए की तेजी के साथ 57,180 रुपए प्रति किलोग्राम रह गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में चांदी का सितंबर डिलीवरी का अनुसंधान 49 रुपए या 0.09 प्रतिशत की तेजी के साथ 20,951 लॉट में 57,180 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया। बाजार विश्लेषकों ने कहा कि चांदी की कीमतों में तेजी का मुख्य कारण सकारात्मक घरेलू रुख के बीच प्रतिभागियों द्वारा ताजा सौदे की लिवाली करना था। वैश्विक स्तर पर न्यूयॉर्क में चांदी 0.14 फीसदी की तेजी के साथ 19.21 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।